उमरा गांव के बहुत अच्छे कवि माता गुलाम चंद जी के वंशज भाई सतीश शर्मा जी पंडित बहुत तरीके से मान सम्मान करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कविता भी लिखते हैं, कई बार माया है कविता जी बहुत मान सम्मान किया, उपलब्ध कर दिया कविता धन्यवाद। और अब आपके बीच में बाबा गुलाम चंद जी का देख होने जा रहा है। हमारे बीच में पंडित बेगराज जी शर्मा गांव उमरावत से हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, गांव उमरावत के दादा गुलाब चंद और गांव उमरावत के पंडित देवराज जी शर्मा उनके शिष्य हैं। हम उनका दादा लक्ष्मी जन आश्रम पे इस मंच पर उनका स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत। मैं पंजाबी के गाने वाले का सम्मान करती हूँ। और भाई मैं किन्हों क्या करता हूँ, प्रेम से करके कोई चीज नहीं होती है, लोग इतना प्रेम देते हैं। एक बार हमारे संगठन महाराज सुमान और महाशिव सिंह प्रचार कमेटी के लिए दोनों की तरफ दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। जय हो, जय हो। ये लो मेरे नौजवानों, एक और भी अरदास से सारा जो आज जोड़ के जहां बैठे हो, एक बहुत बड़ी जगह है, ये तीर्थ है, तीर्थ है ये, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई किसी प्रकार का एक लाल मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए कि जहां तुम बैठे हो एक बहुत बड़ा तीर्थ है। और तीन दिन हो गए, दो दिन हो गए, तीसरा दिन से दादा के आश्रम भद्रा ठंडी हो गया, ये दिया करो भाई 200-500-700-700 लेकिन मांगी कितना है, 3 साल तक तोड़ा की बाड़िया हमेशा नुकसान करा, तोड़ा की गोली नहीं गए उस पर भी उसकी समय सरसों का पिछली साल 9,000 का भाव था, 44,000 आए पुरानी सरसों बेच रहे की उपाय ना करें 3,000 रुपये कम चले जी उस पर भी यानी कि मन को जाते थे पर सबर हो जाता है। इसलिए कहीं भी मत किया करो दादा के आश्रम के नाम से, इसमें आपको सबको दिख रहा है कि करोड़ों लोग सुबह करोड़ों और लगेंगे जब जा कर के दादाजी यहाँ हमारे से पहले गांधी का प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं। और हमारे ही उमरावत से दादाजी गुलाब चंद गुलाब चंद दादाजी और मैंने तो बड़ी बड़ी खुशी हुई, विशेष खुशी क्यों, क्योंकि मेरे दादाजी थे पंडित जी श्री राम के शिष्य थे जी, मेरे पिताजी थे पंडित जी शिवलाल जी के शिष्य थे जी, और दादाजी गुलाब चंद जी हैं वो भी पंडित जी श्री राम शिवलाल जी की प्रणाली से और गुरु जी महाराज बाबा भी आ रहे हैं पंडित जी दादाजी काली जी कर रहे हैं, कर रहे हैं जय हो हरे दादा की, जय हो जय हो मेरी दादी के लोग भरी जय हो। उनके वंशज आए हुए थे दादा सत्यवान जी, भाई उनके दर्शन दिला रहेंगे। मेहरबान
दादा जी बड़े प्रखंड विद्वान थे, बहुत ही प्रखंड विद्वान थे। डबल पीएचडी थर्ड सेमन ने कर रखा, डबल पीएचडी मतलब डबल दो बार काशी खुशी कर दिया है कुछ, और बड़े विद्वान थे उससे। जय हो जय भाई, उनकी उनके भी दर्शन कर लिए थे। दादा जी की मैं रचनाएं भी बोल रहा था, इसलिए एक पंडित जी श्री राम जी का पता आपके बीच में। ये ब्राह्मणों के वस्त्र, विद्वानों के वस्त्र ही। नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ दादा दयाचंद मास्टर दयाचंद जी, ऐसे कवि हुए हैं कि बहुत ही महान जो कवि हुए हैं उसके आज उसमें शान का एक है, वो आयोजन आज के दिन रखा गया है, तो मास्टर कवि दयाचंद जी 50 समिति है उसका भी मैं एक से धन्यवाद करता हूँ। और आज तो हमारी रंगी संस्कृति है उसके बारे में बताना, हमारे जो बच्चे आज की युवा पीढ़ी है उसको बताना बहुत जरूरी है। जो दादा लक्ष्मी चल रही है वो हमने सुना है, जो हमारे हम जो एज के हैं वो जानते भी हैं, आज से इस बारे में कम कम जानती है, हमें उसको बताना भी जरूरी है। हमारी ऐसी संस्कृति है, हमारे संस्कृति से ही हमारे बच्चों में हमारी पीढ़ी में संस्कार आते हैं, और इसके लिए मैं पहले दिन से धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे इतना मान सम्मान दिया, धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि अतिथि के तौर पर आज राजेश्वर स्वीकृत की, यहाँ आने पर उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव कौन बड़ी खुशी की बात है, गांव कौन और आसपास के क्षेत्र से हमारे अनुमंच संचालक हैं श्री गंभीर सिंह नागर जी, पूरे एरिया की तरफ से उनको सम्मानित करने के लिए आए हुए हैं, तो पगड़ी पहनाकर उनका सुशील मंडलदार जी, सुशील सरपंच जी, सुनील सरपंच, सुशील मंडलदार ये पगड़ी पहना ले जा तजुर्बा होता है, और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप हैं, शांति से सुन रहे हैं। मैं एक छोटी सी प्रार्थना और करूंगा आपसे, देखिए भाई वो भी तो बिलदान सरदार समान आदमी का दो 20 किलो खान का और 40 किलो कर दे तो फर 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 जी लगे क्या। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारा मांगे ने दादा हनुमान कोशी जी, उपाध्यक्ष एडवोकेट कृष्ण अवतार साहब, महासचिव माननीय रविंद्र बासु जी, कोषाध्यक्ष मनदीप महासाव जी, रामधन शास्त्री जी, दिनेश सरपंच जी, ये है इनके स्टूडियो, हमारा मित्र अरुण जी, और साथ साथ मेरा एक परम सौभाग्य और रहा कि जो हमारे राष्ट्रीय कवि ज्ञानन मायनजी जो रहे हैं उनके गांव में उनके निवास स्थान पर जाने का मौका मिला था, वहां एक चीज देखने को मिली थी मुझे, एकदम हमारा ये नया संजी प्रसाद का हमारे श्रीमान बाबूराम सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं, हम भी इनका तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। माला पहना रहे हैं हमारे गुरु जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महाशय दयाचंद कमेटी
पराजित भाई को नमन कर लेकर के माला पहना कर सम्मान कर रहे हैं। समय के